लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण पर रोक लगने की उम्मीद है, ये कहा है कोविड टास्क फोर्स ने। कोरोना की थर्ड वेव बच्चों के लिए कहर साबित हो सकती है, हम आप लोगों को विस्तार से समझाते हैं। पहली वेव बुजुर्गों के घातक साबित हुई है और दूसरी वेव में नौजवान ज़्यादा संक्रमित हुए हैं और अब तीसरी लहर में बच्चों को कोरोना संक्रमण का ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। कोविड टास्क फोर्स 15 दिन के लॉकडाउन की मांग की है। अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो रोज 5 लाख से ज़्यादा नए केस आने की आशंका है। थर्ड वेव में 0 से 18 साल की 30% आबादी के लिए बड़ा खतरा हो गए। अभी बच्चों के लिए कोई दवा और वैक्सीन नहीं। लॉकडाउन से कोरोना की तीसरी लहर पर रोक लगने की उम्मीद है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 44,906 केस नए सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 497 लोगों की मौत हुई है। अब बात करते हैं डेंगू की, तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की, तो यहाँ डेंगू बहुत तेजी से हावी हो गया है। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और एक बेड में 2 मरीज लेटे हुए हैं और फिरोजाबाद में अस्पतालों के बाहर मरीज लेटे हुए हैं। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव के बीच कई राज्यों ने स्कूल को खोल दिया है। हरियाणा, राजस्थान, असम, झारखंड और मध्य प्रदेश में अलग अलग कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए हैं। मेरठ में कोरोना के बाद डेंगू का कहर। मेरठ में डेंगू के 115 एक्टिव केस। और बात करते हैं लखनऊ की, तो एक दिन में डेंगू के सर्वाधिक केस मिले हैं। एक दिन में 26 केस लखनऊ में मिले। वहीं कोरोना के मामले बढ़ने पर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख स्कूल बंद कर दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद मध्य प्रदेश में सोमवार से कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। बड़ी खबर बता दी, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना के बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए अब स्थिति के हिसाब सरकारों को खुद निर्णय लेने होंगे। अमित शाह ने बयान दिया और यह बयान लॉकडाउन पर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला देश हित में है। हिमाचल में सभी स्कूलों को 25 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। लद्दाख में स्कूलों को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। 10वीं-12वीं के लिए नई असेसमेंट स्कीम लागू कर दी गई है। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए सीबीएसई ने 2021 के एकेडमिक सेशन को 2 हिस्सों में बांटा है। इस साल सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 2 बार में होंगी। पहले टर्म की परीक्षा नवंबर दिसंबर में और दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च अप्रैल में। क्या आपको क्या लगता है दोस्तों, राज्य सरकारों को 1 से 12 तक के स्कूलों को बंद कर देना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। क्या ये राज्य सरकार कहीं गलत तो नहीं कर रही है 1 से 12 तक के स्कूल खोल के, क्योंकि स्कूलों से बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं और तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है।